देखिए गाइस, ये है राइस। राइस के ऊपर ये है मलाई चिंगरी, ये है मलाई चिंगरी और ये प्याज, खीरा, आलू का भुजिया। देखिए गाइस, मैंने एक प्लेट में सर्व किया है सादा चावल, मलाई चिंगरी, दो प्याज का टुकड़े, तीन खीरा का टुकड़ा और थोड़ी सी आलू का भुजिया। ये मैं आज मलाई चिंगरी बनाई हूँ, यही रेसिपी मैं आप सब से शेयर करूँगी। अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैं अपने प्लेट कैसे सर्व की हूँ और मैं लंच में यही खा रही हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ। खाते हुए अब आप सबको मुझे दिखाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबको रौनक के किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी जो मैं प्लेट में मलाई चिंगरी और चावल सर्व करके आपको दिखाई हूँ, जैसे ये है, ये आप सबको अभी मैं दिखाई, यही रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। और मैं पहले तो खा रही हूँ उसकी, मैं कैसे बनाई हूँ वो आप सबको मैं दिखाऊंगी ब्लॉग के ज़रिए। और मैं यही मलाई चिंगरी का रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और है बहुत ही बड़ा चिंगरी, जो बंगाली में इसको गोलदा चिंगरी कहता है। मैं बंगाल से हूँ इसलिए मुझे पता है कि इसे क्या कहता है। और इसे चिंगरी मछली, बंगाली में तो चिंगरी मछली कहता है, आप लोग तो झींगा मछली कहते होंगे। और यही रेसिपी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, एक ब्लॉग बनाई हूँ। तो चलिए गाइस, मैं तो खा रही हूँ और आप लोग देखिए कि मैं ये मलाई चिंगरी कैसे बनाई और आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर खूब से खूब ज़्यादा कीजिए। तो चलते हैं किचन में और कैसे मैं ये मलाई चिंगरी बनाई हूँ वो सब आप सब मेरे ब्लॉग के ज़रिए देखिए। और मैं खा के बताती हूँ कि कैसा हुआ है। देखिए गाइस, मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है गाइस, आप सब भी ऐसे मलाई चिंगरी बनाओ और चावल के साथ खाओ, बहुत ही मज़ा आएगा। और आप लोग खुद बनाओ, खाओ और गेस्ट को भी खिलाओ। देखिए गाइस, ये बहुत ही बड़ा बड़ा इच्छा मछली है, जो बंगाली में इसे चिंगरी मछली कहता है, हम लोग बंगाली में इसे चिंगरी मछली कहते हैं। इसे अच्छे से मैंने साफ करके वॉश कर लिया है। अब इसको हल्दी नमक से मैं मैरिनेट कर लूँगी, उसके बाद इसे ऑयल में फ्राई करूँगी। सबसे पहले तो कढ़ाई को गैस चूल्हा में चढ़ा देना है, उसके बाद कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए देना है। देखिए गाइस, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये सरसों का ऑयल है, सरसों ऑयल से बनाने से ज़्यादा टेस्टी होता है, इसीलिए मैं सरसों ऑयल से ही बनाती हूँ। देखिए गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं एक एक करके चिंगरी मछली डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। देखिए गाइस, एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे उलाट रही हूँ। ये मलाई चिंगरी बना रही हूँ, मलाई चिंगरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बंगाली तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और मैं बंगाल से हूँ इसलिए मुझे मलाई चिंगरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज मलाई चिंगरी बना रही हूँ। तो सोचा कि आप लोग से शेयर करूँ और आप लोग के लिए ब्लॉग बनाऊँ। तो सो गाइस, मैं आप लोग ही के लिए आज ये ब्लॉग बना रही हूँ मलाई चिंगरी का। देखिए गाइस, मेरा चिंगरी मछली फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये इस तरह से मलाई चिंगरी बनेगा, तो ढाबा स्टाइल जैसा बनेगा, क्योंकि मुझे भी अच्छे से बनाना आता है और देखने में तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल लगेगा, आप लोग देखना। वही ऑयल में बस एक जो बचा हुआ है चिंगरी मछली, उसको मैं डाल रही हूँ। और ये जो है चिंगरी मछली का ये पैर है, तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, इसको मैं दे देती हूँ।
फ्राई करने के लिए। सेम प्रोसेस से इसे भी आप वैसे ही फ्राई करना है हमें। गाइस देखिए ये भी मछली फ्राई हो चुका है हमारा, इसको भी एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से मछली को फ्राई कर लेना है और प्लेट में निकाल लेना है। देखिए गाइस हमारा चिंगड़ी मछली फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। अब इसी ऑयल में मैं जीरा फोरन डाल दूंगी थोड़ा सा, और एक तेज पत्ता को फाड़ के डाल दूंगी, और सूखी लाल मिर्च 3 से 4। इसे 10 सेकंड के लिए हमें भूनना है। अब इसमें मैंने कद्दूकस कर के अदरक ले लिया है, अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। देखिएगा इस अदरक मिर्चा और तेज पत्ता जीरापन फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज पीसा हुआ प्याज दूंगी, डाल दूंगी 2 चम्मच, और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। देखिएगा इस मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं आधा चम्मच हल्दी दे दूंगी, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च, टेस्ट मुताबिक नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब ये सब मसाले को मैं एक साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तो भूनने में आसानी हो। गाइस मलाई चिंगड़ी बनाने में आसान है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। बस मेरे तरफ फॉलो करो और आसानी से घर में बनाओ और खुद खाओ, गेस्ट को भी खिलाओ। और ये मलाई जो चिंगड़ी है ये चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग चावल के साथ खाना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए गाइस मसाला हमारा भून चुका है, बाहर से ऑयल निकल चुका है, इसका मतलब मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं ये देखिए गाइस इसमें मैं काजू, बादाम, नारियल और मगजदाना एक साथ मिक्सी में ब्लेंड कर चुकी हूँ, और इसका पेस्ट बना चुकी हूँ, और इसका पेस्ट बना ली हूँ। अब इसमें डाल दूँगी, इसको मैं छान के ही डालती हूँ, छान के डालने से अच्छा होता है। बस इसका दूध को देना है हमें। देखिए गाइस नारियल काजू बादाम का बस मलाई चाहिए, तो उसी का रस हम इसमें डाल दिए हैं, इसी से हमको चिंगड़ी मछली बनाना है। अब एक उबाल आने तक हमें इसे ढक देना है। देखिए गाइस उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं एक एक करके चिंगड़ी मछली डाल दूंगी। अब इसे हमें ढक करके 5 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे। देखिए गाइस चिंगड़ी मछली हमारा पक रहा है। इसी बीच में हमें आधा चम्मच करीब गरम मसाला डाल देना है, और 1 चम्मच चीनी डाल देना है। इसको हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है, 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अब इसे फिर से ढक देना है। गाइस इसमें अब अमूल फ्रेश क्रीम लगभग 1 चम्मच डाल देना है। आप लोग चम्मच से डाल सकते हो, मुझे अंदाजा है, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अब इसे ढक के हमें पकाना है। गाइस इसमें मैं हरी मिर्चें कुछ डाल रही हूँ, आप लोग डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। अगर आप लोग को तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे हरी मिर्चाई डालने से अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से हरी मिर्चाई डाल रही हूँ, वो भी 7 से 8। अब इसे ढक देना है,
फिर से हमें लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए गाइस, हमारा मलाई चिंगरी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। इसी तरह से आप लोग भी मलाई चिंगरी बनाइएगा और खाइएगा। देखिए गाइस, अब मैं एक बॉल ले ली हूँ, उस बॉल में आप इसको सर्व कर रही हूँ, चिंगरी मछली मलाई चिंगरी को सर्व कर रही हूँ। देखिए गाइस, मेरे हाथों की तरफ फॉलो करो आप, किस तरह मैं सर्व कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, राइस के साथ खाने में तो इतना टेस्टी लगता है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। इसी तरह आप लोग बनाओ और खाओ, खुद खाओ, गेस्ट को भी खिलाओ। गाइस, मलाई चिंगरी का जो ये ग्रेवी होता है, यही खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है, चावल के साथ खाने में तो क्या कहने। देखिए गाइस, देखने में बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रहा है। जब घर में ढाबा स्टाइल आप लोग खुद बना सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उतना ढाबा में जाके खाने का, इसलिए घर पे ही ढाबा स्टाइल बनाओ और खाओ। धनिया पत्ता से थोड़ा सा गार्निशिंग कर रही हूँ, इससे अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। इसमें अगर देसी घी डाला जाए तो इसका बात ही कुछ अलग है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे स्टाइल का है इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग नहीं भी डाल सकते हो। तो गाइस देखिए, हमारा मलाई चिंगरी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसी तरह मेरे तरह आप लोग बनाओ और फॉलो करो, मेरे हिसाब से फॉलो करो, खुद बनाओ और खाओ। उम्मीद करती हूँ गाइस, आज मेरा ये मलाई चिंगरी का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। अगर जो भूले भटके भी मेरा कोई न्यू व्यूवर्स आ गए हो तो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस, फिर न्यू वीडियो लेके आपके पास हाजिर रहूँगी, और अब तक के लिए टाटा बाय बाय।